नमस्कार। आज का जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आवश्यक, क्योंकि जो दिए गए जितने भी टेंस हैं उनमें टेंस के टोटल टाइप होते हैं तीन। एक होता है प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। तो फ्यूचर इसलिए जरूरी है क्योंकि टेंस का एक महत्वपूर्ण भाग है। दूसरी चीज, इसके जो और पार्ट हैं उनको भी पढ़ना उतना ही आवश्यक है। चलो सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट जब बाकी पढ़ेंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब रहती है शैल और विल। हेल्पिंग वर्ब शैल और विल, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, याद रखोगे। अब पहले इसकी डेफिनेशन देख लो, पहले इसकी पहचान देख लो। क्या है? जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में, वर्ब के अंत में गा गी गे जैसे शब्द होने चाहिए और वाक्य से किसी काम के फ्यूचर में होने की जानकारी मिलना चाहिए। वाक्य से किसी काम के फ्यूचर में होने की जानकारी मिलनी चाहिए। ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, वर्ब के अंत में गा गी गे होगा तभी काम फ्यूचर में होना पाया जाएगा, ठीक है। काम का भविष्य में जारी रहना पाया जा रहा हो, ये लिखा है। रूल क्या कह रहा है? फर्स्ट पर्सन जो भी कर्ता होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं दो, आई और वी, उनके साथ आपको सिंपल वाक्य होने की कंडीशन में से लगा देना है। हेल्पिंग वर्ब शैल किसके साथ? आई और वी के साथ। और बिल किसके साथ? अन्य सभी के साथ, ये लिखा गया है। आई और वी के साथ सेल लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और अन्य कर्ताओं के साथ बिल लगाएंगे। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, ठीक है। कंप्लीट हुआ। आगे कह रहे हैं अगर कल आ रहा है शब्द, तो अब तक हम लोग कल की अंग्रेजी यस्टरडे लिख रहे थे, फ्यूचर में आने वाला कल होता है इसलिए इंग्लिश चेंज होती है और टुमारो लगाएंगे। क्या? टुमारो लगाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल लगेगी। आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, हो जाएगा। दूसरा, वे मेरे घर आएंगे, क्या बनाओगे? दे विल कम टू माई हाउस, ठीक। अध्यापक कल पहला पाठ पढ़ाएंगे, टीचर विल टीच लेसन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ऐसे करते चलेंगे, जो भी वाक्य होगा उसे ऐसे ही करते चलोगे। कल भी है, अच्छा तो टुमारो लगा, TOMORROW, टुमारो लगा दिया, ठीक। आगे आते हैं, हम क्रिकेट खेलेंगे, ओरल बता दो इसे, हम क्रिकेट खेलेंगे। वी शैल प्ले क्रिकेट, बहुत अच्छे। आगे एक नोट समझ लेते हैं। नोट का मतलब हुआ महत्वपूर्ण जानकारी, वो ये है बाध्यता, अनिवार्यता या व्यवस्था। अगर कर्ता के द्वारा किसी तरह की आपको बाध्यता दिखाई दे रही है, कर्ता मजबूर दिखाई दे रहा है, कर्ता को किसी काम को करने की अनिवार्यता है, या फिर उसे विवश किया गया है किसी काम को करने के लिए, तो ऐसे में जो हेल्पिंग वर्ब जहां आप सेल लगा रहे हो, आई वी के साथ जो सेल लगा रहे हो, उसकी जगह आपको विल लगा देना है। हेल्पिंग वर्ब एकदम उलट दीजिए, थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन कर्ता के साथ शैल लगाओ और फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगाओ। ध्यान रखना ये विशेष नियम है फ्यूचर इंडेफिनिट का। एग्जाम्पल में क्या करें, मुझे आज आगरा जाना होगा, जाऊंगा नहीं जाना होगा, यानी जाना पड़ेगा। आई विल गो टू आगरा टुडे, आज है, ठीक है। माता जी बीमार हैं, पिताजी को घर पर आना पड़ेगा, मजबूरी दिखाई जा रही है। माता जी बीमार नहीं होती तो नहीं आते। चलो, मदर इज इल फादर विल कम टू होम,
बस एक एक और यूज होता है हैज टू, हैव टू, हैड टू, वो यूज आगे पढ़ाएंगे, लगभग इसी तरह से उसे करना होता है, लेकिन फिलहाल हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं, इसकी नेगेटिव बाकी समझ लेते हैं। नेगेटिव जब जब नेगेटिव की बात होती है तो रूल वही रटा रटाया रहेगा, जब वाक्य नेगेटिव होता है, इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव यूज नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, जब वाक्य नेगेटिव होता है तो नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। ये देखो, नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, अध्यापक कल अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे, बोलो क्या बनेगा? टीचर, टीचर बिल लगाओगे, यहीं पे नॉट लग जाएगा, विल नॉट टीच इंग्लिश टुमारो, ठीक है। दूसरा, कल रेलगाड़ी समय से नहीं आएगी, द ट्रेन क्या होगा? द ट्रेन विल नॉट कम इन टाइम, इन टाइम टुमारो, समय से नहीं आएगी, कम इन टाइम टुमारो, ठीक है। नेगेटिव में कुछ नहीं, सिर्फ सहले बिल के बाद नोट लगा देना है। आगे चलिए, इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव वाक्य दो प्रकार के होते हैं, दोनों के रूल अलग अलग रहते हैं। इंट्रोगेटिव वाक्य दो प्रकार के रहते हैं और दोनों के नियम अलग अलग रहते हैं। पहला सिंगल इंट्रोगेटिव या ए टाइप वाक्य, जब वाक्य सिंगल इंट्रोगेटिव होता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। सबसे पहले क्या लिखोगे? हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक। क्या होगा? क्या आप स्कूल जाओगे? विल यू गो टू स्कूल, और क्वेश्चन मार्क लगाया, ठीक है। दूसरा, क्या आज चांद निकलेगा? क्या हो जाएगा? विल द मून राइस टूडे, ठीक है, बिल्कुल इजी है, आहिस्ते आहिस्ते करते चलो। अगला है, क्या कल वर्षा होगी? विल इट रेन टुमारो, ठीक, क्वेश्चन मार्क लगाओ। और डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है? जब बाकी डबल इंट्रोगेटिव होता है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, और जो शेष वाक्य रहता है वो सिंगल इंट्रोगेटिव की तरह करते हैं। देखो, नियम में यही लिखा गया है, क्वेश्चन वर्ड लिखोगे, शेष वाक्य ए टाइप की तरह रहेगा। पिताजी कल कहाँ जाएंगे? क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें? कहाँ, तो सबसे पहले लगाओ वेयर विल फादर गो टुमारो, ठीक, और क्वेश्चन मार्क लगाओगे। मीरा गीत कब गाएगी? क्या हो जाएगा? व्हेन, व्हेन विल मीरा सिंग अ सॉन्ग, और क्वेश्चन मार्क लगाओगे, ठीक। अगला, तुम कितनी किताबें पढ़ोगे? कितनी किताबें पूरा रहेगा क्वेश्चन मार्क, हाउ मैनी बुक्स लिख दो, हाउ मैनी बुक्स विल यू रीड, क्वेश्चन मार्क लगाओ, ठीक है। और आखिरी बचा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, आखिरी रूल, जब बाकी इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है तो नॉट का प्रयोग कर्ता के बाद करते हैं, नॉट का प्रयोग कर्ता के बाद करते हैं, नोट का प्रयोग कर्ता के बाद किया जाता है, अगर वाक्य इंट्रोगेटिव भी है प्लस नेगेटिव भी है। एग्जांपल से समझ लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहला वाक्य, क्या आप स्कूल नहीं जाओगे? कैसे हो जाएगा? विल विल यू नॉट गो टू स्कूल, ठीक। वह यहां क्यों आएगा? ये डबल इंट्रोगेटिव का नेगेटिव है। व्हाई विल, व्हाई विल He come here, question mark लगा,
ठीक। और आखिरी राधा कल कितना दूध खरीदेगी, हाउ मच मिल्क, क्या हो जाएगा, हाउ मच मिल्क विल राधा बाय टुमारो, विल राधा बाय टुमारो, ठीक। ये चूंकि ये वाले निगेटिव करने थे, इसमें निगेटिव करना भूल गए, वह यहाँ क्यों नहीं आएगा, ऐसे चाहिए था, इस वाक्य को निगेटिव करना भूल गए, कोई बात नहीं। आपको क्या निगेटिव करने पर कर्ता के बाद नोट लगा देना था, यहाँ भी राधा के बाद नोट लगना चाहिए था, वो निगेटिव करना भूल गए सेंटेंस। अपने हिसाब से निगेटिव कर दीजिए दोबारा, क्या होगा क्या वो समझ लीजिए, कर्ता के बाद नोट लगाना, ठीक है। बाकी ये बाकी क्लियर होते हैं फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, ठीक है। और कुछ इसमें बचा नहीं, बहुत ज्यादा टफ है नहीं। अब अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे।